नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए नहीं है व्यवस्थाएं, तपती दोपहर में सड़कों पर समय काटने को मजबूर भक्त। संवाद सहयोगी जागरण वृंदावन। ठाकुर बांके बिहारी की नगरी में हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। सुबह और शाम जब मंदिर के पट खुले रहते हैं तो श्रद्धालु एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक दर्शन पहुंचकर अपना समय गुजार लेते हैं, लेकिन दोपहर को जब मंदिर के पट बंद होते हैं तो श्रद्धालु के कुछ देर विश्राम को शहर में कोई इंतजाम नजर नहीं आते। श्रद्धालुओं को दोपहर के समय कुछ देर विश्राम और छांव की व्यवस्था करना ना तो प्रशासन ने ही अब तक उचित समझा है और ना ही मंदिर प्रबंधन ने कोई ध्यान दिया है। ठाकुर बांके बिहारी की नगरी में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वीकेंड और पर्व के दिनों में ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाता है। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं में हर श्रद्धालु गेस्ट हाउस में नहीं ठहर सकता। अधिकतर श्रद्धालु सुबह आकर शाम को दर्शन कर अपने गंतव्य लौट जाते हैं। 3 से 4 घंटे का समय बिताते हैं श्रद्धालु मंदिर के आसपास। हजारों श्रद्धालु जहां भी छांव मिलती है बैठकर 3 से 4 घंटे का समय गुजारते हैं। गुरुवार को जब हमने बांके बिहारी मंदिर से लेकर प्रेम मंदिर तक दोपहर में श्रद्धालुओं की स्थिति देखी तो कहीं दुकानों के नीचे तो कहीं कोई जगह पर मंदिर के आसपास जहां भी छांव मिली श्रद्धालु दोपहर में समय मुश्किल से बिता रहे थे। इनकी बनती है जिम्मेदारी। ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रबंधन पर हर दिन लाखों रुपए का चढ़ावे भी यही भक्त अर्पित करते हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने ऐसे श्रद्धालुओं की सहूलियत देने के लिए कोई इंतजाम तक नहीं किए हैं। दोपहर के समय मंदिर के आसपास दुकानें बंद रहती हैं तो श्रद्धालु तेज धूप में इन दुकानों की फड़ पर बैठकर अपना समय गुजार लेते हैं। श्रद्धालुओं को सहूलियत देने की जिम्मेदारी प्रशासन ने भी नहीं उठाई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।